दोस्तों कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं आज का बिहार पीएससी का पेपर। तो काफ़ी अच्छा पेपर था इस बार और पिछली बार से इस बार का पेपर इजी था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड थॉमस रू कम टू इंडिया। थॉमस रू आपको पता है जहांगीर के समय में भारत आया था। इजी क्वेश्चन है, आयन अकबरी किसने लिखी। एक और इजी क्वेश्चन था, अबुल फजल इसका राइट आंसर है। इसके बाद थर्ड था, रेतबारी सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड बाय। तो अगर आपने हिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए हैं तो लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन थे, यानी मद्रास इसका राइट आंसर है। तो इस वर्ष का पेपर इजी था, कट ऑफ बढ़ेगी। और फोर्थ क्वेश्चन है, द अपराइजिंग ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। लूसेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन था, वी डी सावरकर था। यानी हिस्ट्री और जियोग्राफी के आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लूसेंट से फंसे हैं। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो आपको पता ही है एनी बेसेंट थी। और भारतीय पूछा जाता तो आपका सरोजिनी नायडू था। जल्दी से हम लोग देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हु स्टार्टेड द जनरल बहिष्कृत भारत, तो अंबेडकर जी अभी न्यूज़ में थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो उन्होंने ही बहिष्कृत भारत जो न्यूज़पेपर है, जर्नल है, इसको उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय। सुभाष चंद्र बोस अभी न्यूज़ में है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है और उनकी 125वीं जयंती मनाई गई थी पिछले वर्ष, इसलिए उनसे काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं अदर एग्जाम में भी। तो इसका राइट आंसर था सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, तो लियाकत अली खान, इसका राइट आंसर लियाकत अली खान इसका राइट आंसर है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द लीड ऑफ द संथाल रेबेलियन ऑफ 1855 AD। संथाल रेबेलियन है जो सिद्धू और कानू इससे रिलेटेड थे। नेक्स्ट है, हु इनवाइटेड गांधी जी टू कम चंपारण, किसने, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया था चंपारण में। गांधी जी से भी काफ़ी क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी आ रहे हैं, आपके बिहार पीएससी में भी आए हैं, क्योंकि गांधी जी अभी न्यूज़ में हैं। हु हैड अटेंड एनलाइटमेंट एंड बुद्ध गया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन, इसका क्या है, हु इस्टेब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना 1913 AD। तो ये क्वेश्चन भी आपका सचिन नाथ सान्याल वाला, ये आपका लूसेंट से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हु हैड फॉर्म द बिहार सोशल पार्टी इन 1931 में, इसका राइट आंसर है आपका जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, बिहार इज द शेरशाह टॉम्ब लोकेटेड, जो शेरशाह है उसका टॉम्ब मकबरा कहाँ है, सासाराम में, बिहार में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन आपके लूसेंट से रिलेटेड कवर हो रहे थे। करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट इज लोकेटेड इन गुजरात, आपको पता ही है भैया लोथल है जो आपका गुजरात में है, लोथल कालीबंगा आपका ही राजस्थान में है, तो आप आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, विजयाला इसका राइट आंसर है। आपके लूसेंट अगर आपने लगाई तो आप आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसका आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है जो महाकश्यप है, इसका राइट आंसर है। यहाँ किसी ने बसु में तो लगाई, इसका राइट आंसर आपका महाकश्यप रहेगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक कीर्तार्जुनी, कीर्तार्जुनी किसने लिखी, तो ये आपको भराबी ने लिखी ये बुक। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मीडियम क्वेश्चन था आप कह सकते हैं, टेस्ट सीरीज जिसने लगाई उसी पर बना हुआ। कुतुब मीनार किसने कंप्लीट करवाई पता ही है, इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाई। नेक्स्ट है, हुए द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हरियर बुक का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गंगा प्लेन वाज डिस्क्राइब्ड एज, आपको पता ही है इसको जियो सिंक लाइन आपको इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर लेक कौन है, तो आपको पता है जो चिल्का है और बुलर लेक है, ये आपकी फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन इसका राइट आंसर मोर देन वन रहेगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट है द लीस्ट डेंसिटी, अर्थ, मार्स, वीनस, सैटर्न, तो सैटर्न यानी शनि इसका राइट आंसर है। ये सब आपके लूसेंट से कवर हो रहे थे, जियोग्राफी वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वट इज द मोस्ट फेमस फीचर ऑफ चिड़िया लोकेटेड इन वेस्ट सिंघम, तो ये क्या है, आयरन ओर माइनिंग है, सिंघम वैसे भी आप आइडिया लगा सकते थे ये किससे रिलेटेड होगा, बर्ड सेंचुरी नहीं है, नेशनल पार्क नहीं है, डैम नहीं है, तो आप इसको आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट है, पट्टी सीमा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, देखिए यह प्रोजेक्ट न्यूज़ में था इसलिए यह क्वेश्चन पूछा है। अब कुछ लोग इसमें करंट अफेयर्स वाला मानेंगे, कुछ इसमें जियोग्राफी वाला मानेंगे, तो इसमें मुझे डाउट है, बाकी जनरली कृष्णा गोदावरी मुझे लग रहा है कि राइट आंसर है, जहां तक 80% चांस है इसके राइट आंसर के, बाकी आप देख लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर कंसर्न विद ईस्कर एंड ट्रेमलेंस, तो इसका राइट आंसर अभी क्लियर नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है। और नेक्स्ट है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मीका डिपोजिट, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था यह, मीका इसका राइट आंसर था गया। नेक्स्ट है, द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोन एंड गंगा इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो पटना इसका राइट आंसर है।
पटना इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दामोदर कोयल एंड सुवर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेक्कन प्लेटू सेंट्रल हाईलैंड छोटा नागपुर प्लेटू या मेघालय प्लेटू। ये भी इजी क्वेश्चन है, छोटा नागपुर प्लेटू राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बताइए कैसा रहा आपका पेपर। नेक्स्ट है विच इज द फर्स्ट रामसर साइट इन बिहार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है कांवर लेक, जो कांवर लेक है यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रह्मायनी हिल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो इसका राइट आंसर गया है। नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन है विच एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कहां पर है, तो इसका राइट आंसर है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज डेवलप्ड बाय, तो वैगनर अल्फर्ड वैगनर आपको पता ही है राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट है सुंडा ट्रेंच, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल टू द आइसलैंड ऑफ जावा मालदीव सुमात्रा या मॉरिशस, सुंडा ट्रेंच न्यूज में इसलिए क्वेश्चन आ गया जावा इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू।